नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। क्लास फोर, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट फोर। व्हाट टाइम इज इट? चिल्ड्रन, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड यूनिट फोर, व्हाट टाइम इज इट। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने न्यू लेसन शुरू किया था, यूनिट फोर, व्हाट टाइम इज इट। ओके, देन We had completed the activity one, okay? Activity one में clock के picture दिए थे, वो हमें observe करने थे और describe करने थे, ठीक है? मैंने वो आपको करवा दिए। और activity one में आपको यहाँ पे थोड़े question दिए थे, वो आपको discuss करने थे, ठीक है? Then we had also completed the activity two. Activity two में क्या करना था के आपको स्टोरी दी थी, ठीक है? किसकी स्टोरी दी थी? यस, रिप वैन विंकल, रिप अंकल की स्टोरी दी थी, वो हमें रीड की थी, ठीक है? और मैंने आपको यहाँ पे ये स्टोरी एक्सप्लेन भी कर दी थी, ठीक है? रिप अंकल लेजी मैन थे, ठीक है? वो डॉग वुल्फ के साथ हंटिंग करने जाते थे, रेबिट और स्क्विरल का वो शिकार करते थे, ठीक है? फिर वहाँ पे एक ओल्ड मैन आते थे, वो उनकी हेल्प करते थे, ठीक है? फिर क्या होता था कि वो पिंक वाटर पीते थे, और बाद में क्या होता था कि वो 20 इयर्स के लिए वो सो जाते थे, और वो जब उठते थे तब क्या होता था कि उनकी गन में पूरा जंक लगा हुआ था, और उनकी बियर्ड ग्रे हो गई थी, और उनके कपड़े फट गए थे, ठीक है? वो ओल्ड हो गए थे। फिर वो अपने गांव रिटर्न होते हैं, ठीक है? वहाँ पे वो एक लड़की को देखते हैं, वो उनकी वाइफ के जैसे ही लग रही होती है, ठीक है? तो वो क्या बोल रहे हैं, उन लड़की को पूछ रहे कि तुम कौन हो, ठीक है? तो वहाँ बता रही है कि मेरे फादर 20 इयर्स पहले मुझे छोड़ के चले गए थे, ये सब बोल रही है। तो फिर वो रिप अंकल बोल रहे कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, और वो 20 इयर्स तक कैसे सोए रहे वो कहानी वो अपनी डॉटर को बता रहे हैं। वो स्टोरी हमने देखी थी, लर्न की थी। ओके, देन एक्सरसाइज ए, फिल इन द डिटेल्स। तो यहाँ पे थ्री कैरेक्टर्स राइट किए थे, और उन्होंने क्या क्या वर्क किया था ये स्टोरी में, कौन कौन सा रोल था वो राइट किया था। ओके, देन एक्सरसाइज बी में तो सिर्फ आपको इमेजिनेशन करनी थी, ओके, स्टोरी बनानी थी, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। Now here let's we continue with activity 3. Activity 3 में क्या करना है, read and enjoy। यहाँ पे एक poem दी है, वो आपको read करनी है, ठीक है? और ये poem को enjoy करना है। तो हम साथ साथ में ये poem read करेंगे और learn करेंगे, समझेंगे भी कि ये यहाँ पे poem में क्या कह रहे हैं। ओके, नाउ यर लेट्स स्टार्ट द poem। क्लॉक टिक क्लॉक टिक, क्लॉक टिक क्लॉक टिक, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, हैव टू ब्रश माई टीथ, हैव टू गो थ्रू बाथ, हैव टू गेट रेडी फॉर द स्कूल। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 ओ क्लॉक हुए है, ब्रश करना है, बात करना है, और स्कूल के लिए रेडी होना है। यहाँ पे क्लॉक में आप देख सकते हैं 6:30 हुए है, दिख रहा है ना? नाउ नेक्स्ट, क्लॉक टिक इट्स 7 इन द मॉर्निंग, हैव टू गो द किचन, हैव टू ईट माय ब्रेकफास्ट, देन हैव टू द फूड फुल मी एवरी वैन। तो यहाँ पे 7 o'clock हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करना है, किचन में जाना है, ओके, ये सब यहाँ पे बता रहे हैं। देन नेक्स्ट, क्लॉक टिक इट्स 4 इन द आफ्टरनून, हैव टू डू माय होमवर्क, हैव टू गो टू प्ले इन द गार्डन, हैव मी टू रिलैक्स आफ्टर द फुल डेज हार्ड वर्क। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये कि 4 o'clock हो गए आफ्टरनून के, ठीक है? वो स्कूल से लौट आए हैं, 4 o'clock हो गए हैं, होमवर्क करना है, फिर गार्डन में खेलने जाना है, फिर रिलैक्स होना है, पूरा दिन हार्ड वर्क किया है इसलिए, ओके?
Now next, clock tick, it's 9 in the evening, have to settle my bed like a self, have the burden of the day off, have me win my good night sleep. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब नाइट का टाइम हो गया है, 9 o'clock हो गए हैं, ठीक है, बेड सेटल करना है और पूरे दिन जो बर्डन हुआ है, पूरे दिन जो वर्क किया है, तो अब वो क्या करेंगे, सोएंगे, ठीक है, गुड नाइट स्लीप. तो अब वो यहाँ पे सो जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अब मुझे आराम से सोने दीजिए, पूरा दिन वर्क किया है तो अब मुझे नींद आ रही है, सो वो सो जाएंगे, ठीक है. तो आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस पोयम. ओके, आप फिर से रीड करना, समझना, ओके, और क्लॉक भी देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना कि क्लॉक में कितने बजे है, ठीक है. नाउ इन नेक्स्ट पेज एक्टिविटी 4. तो चलो अब एक्टिविटी 4 में क्या करना है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट हेडिंग रीड करेंगे. Children, here you have to read it with me. Okay, now let's start reading. Ask the following questions to your friend sitting next to you. Share the information with your teacher in writing. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप पूछिए. Ask means पूछना. Okay, आप पूछिए. नीचे दिए गए हुए questions किसको पूछेंगे, फ्रेंड को. कौन से फ्रेंड को, कि जो आपके बाजू में ही बैठते हैं, ठीक है, सिटिंग नेक्स्ट टू यू. फिर क्या करना है, शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर टीचर. तो आप ये जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको आपके फ्रेंड को पूछने हैं, बाद में ये नोट डाउन करने, राइट करने हैं इसके आंसर, और आपके टीचर के साथ वो आंसर्स शेयर करने हैं. ओके, चलो नेक्स्ट, फर्स्ट वन क्या दिया है, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी 3 एक्टिविटीज आपको बतानी है जो आप मॉर्निंग में करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 एक्टिविटीज दैट यू डू इन आफ्टरनून. तो आफ्टरनून में कौन सी 3 एक्टिविटीज़ करते हैं वो राइट करना है, मीन्स आपके फ्रेंड्स की, ठीक है, आपके फ्रेंड को पूछना है और यहाँ पे आंसर राइट करना है. व्हाट आर 3 एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द इवनिंग. तो इन इवनिंग में क्या 3 एक्टिविटी करते हैं वो राइट करना है. व्हेन डू यू गो टू स्लीप. तो आप कब सोने जाते हैं, सोने का टाइम कब है, ये पूछना है, ठीक है. ये 4 क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स को पूछने हैं और आपको आंसर राइट करने हैं और आपके टीचर के साथ शेयर करने हैं. ओके, नाउ एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्लॉक कैसे देखते हैं, कितनी मिनट्स होती है, ये सब मैं पहले आपको रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है. बाद में हम यहाँ पे एक्टिविटी 5 शुरू करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि क्लॉक में टोटल कितनी मिनट्स होगी, यहाँ पे 60 मिनट्स. ओके, ये आपको पता ही है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है. जब 1 o'clock पे हैंड्स ऑफ क्लॉक आए तो 5 मिनट्स लॉन्ग हैंड. ओके, लॉन्ग हैंड क्या, मिनट्स इंडिकेट करता है, ठीक है. तो लॉन्ग हैंड 1 के ऊपर आए तो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, ऐसे लॉन्ग हैंड यहाँ पे फिर से 12 पर आए तो 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए. ओके, देन नेक्स्ट शॉर्ट हैंड. शॉर्ट हैंड ओवर इंडिकेट करता है, ठीक है. शॉर्ट हैंड जहाँ पे हो तो उतनी आवर हुई होती है. 2 पर हो तो 2 आवर्स, 3 पर हो तो 3 आवर्स, 4 पर हो तो 4 आवर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये हमें टाइम इंटरवल दिया है, ठीक है. देखो यहाँ पे
ये 5 मिनट्स हुए, ठीक है, देन 10 मिनट्स कंप्लीट हुए, ओके, देन 15 मिनट्स कंप्लीट हुए, तो 15 मिनट्स को हम क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर, ओके, याद आया, मैथ्स में करवाया था, अब यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर, ओके, तो क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट, ये वाला हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो भी रिवाइज कर लेते, टू मीन्स अब हो गए, ठीक है, और पास्ट मीन्स जो मिनट्स चले गए हैं वो, ओके, नाउ क्वार्टर टू कहाँ गया हो तो उतनी मिनट्स अभी बाकी है, और क्वार्टर पास्ट कहाँ गया हो तो उतनी मिनट्स मीन्स के 15 मिनट्स बाकी है और 15 मिनट्स हो चुकी है, ठीक है, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर पास्ट, देन नेक्स्ट 20 मिनट्स, देन 25 मिनट्स एंड यहाँ पे 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स कंप्लीट हो तो क्या बोल सकते हैं, हाफ, ओके, हाफ ओवर, देन यहाँ पे आएंगे टू और पास्ट, तो टू मीन्स के हाफ आवर बाकी है और पास्ट मीन्स के हाफ आवर हो गए हैं कंप्लीट, ओके, तो यहाँ पे मेनली ये ही सीखना था. नाउ लुक एट योर टेक्स्ट बुक. नाउ हियर लेट्स रीड द हेडिंग. Draw arms, fill in the blanks given below the clock. तो यहाँ पे पहले कितने बजे वो इन्फॉर्मेशन दी है, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्लॉक्स ड्रॉ करके दिए हैं, वहाँ पे हमें हैंड्स ऑफ क्लॉक ड्रॉ करने हैं, और यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ पे टाइम राइट करना है, ओके. नाउ लेट सी द फर्स्ट वन. क्वार्टर टू टू, क्वार्टर मीन्स 15 मिनट्स, टू मीन्स के बाकी है, कितने बजने में बाकी है, टू आवर्स होने में 15 मिनट्स बाकी है, मीन्स अभी कम है, टू आवर्स में 15 मिनट्स कम है, तो आंसर आएगा 1:45, ओके, देन नेक्स्ट 4:15, तो 4:15 तो इजीली पता चल जाए ना, 4 hours and 15 minutes. Then next 10 past tense. So 10 means 10 hour. Okay. Past means चले गए है. कितनी minutes ऊपर चली गई है? 10 minutes. तो क्या हुआ? 10 hours, 10 minutes. Then next 3:20. So 3 hours and 20 minutes. Then next 5 past 10. 5 hours. पास्ट 10 में इट मीन्स के 10 मिनट्स उसके ऊपर चली गई है, हो चुकी है, तो 5 आवर एंड 10 मिनट्स, 5:10, देन नेक्स्ट लास्ट वन 5:25, 5 आवर्स एंड 25 मिनट्स. तो यहाँ पे मैंने आपको सारे टाइमिंग बता दिए, ठीक है, ये टाइमिंग आपको यहाँ नीचे ब्लैंक्स दिए है उसमें राइट करने हैं और आपको हैंड्स ऑफ क्लॉक ड्रॉ करने हैं, ओके. Now look at in next page activity 6. Activity 6 में क्या करना है? Work in pair. Pair में work करना है, एक दूसरे की help लेके, friend की help लेके, okay? Draw clocks according to the given time. यहाँ पे आपको clock draw करनी है, ठीक है, time दिया है उसके हिसाब से यहाँ पे पहले क्लॉक ड्रॉ करनी है और हैंड्स ऑफ क्लॉक ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी पेयर में करनी है, ओके. 10:02, quarter to 7, quarter to 9, 10:25, 12 o'clock, 3:35, 8:40, 11:30, तो यहाँ पे इतनी सारी क्लॉक्स आपको ड्रॉ करनी है, आपको एंजॉय करना है, ठीक है, ड्राइंग करना है, अच्छे से ड्राइंग करना, ओके. एक्टिविटी 6 यहाँ पे कंप्लीट होती है. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस यूनिट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 7 से हम कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द एक्टिविटी 3, 4, 5 एंड 6, ओके. Thank you for joining us.